हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, मेरा एक और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कोई भी क्यूरीज़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना लेवल 2 स्कैन, जो कि एनबली स्कैन भी बोला जाता है। और ये कब होता है, क्यों होता है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है तो आप लोग भी करवा लीजिए। बट एक ये लिमिटेड पीरियड में होता है, 18 weeks to 22 weeks के बीच में ही होता है ये वाला स्कैन। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें फिज़िकली आपके बेबी की मूवमेंट्स पता चलती हैं, उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में आपको पता चलता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको आपका बेबी देखने को मिलता है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होने चाहिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइज़, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो जो भी स्कैन आप कराते हो, जो भी अल्ट्रासाउंड कराते हो, उसका नाम लिखा होता है, मेंशन होता है यहाँ पे। देन उसके बाद में आपके हर एक अल्ट्रासाउंड में आपकी LMP ज़रूर लिखी होती है, जो कि मेरी है 10th of August 2019। और जो मेरी बेबी की एज थी LMP के अकॉर्डिंग, वो है 19 weeks and 6 days की। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, ये अल्ट्रासाउंड होता है 18 weeks to 22 weeks के बीच में। आप कभी भी करा सकते हो, ये मोस्टली 5th month में ही पड़ता है। तो इसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए यहाँ से मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि मेरा एक सिंगल लाइफ है, मतलब एक ही बेबी है। अगर आपके ट्विंस होते तो यहाँ पे ट्विंस होता। देन उसके बाद में फीटल कार्डिक एंड लिम्ब मूवमेंट्स एज व्यूड अंडर रियल टाइम स्कैनिंग अपीयर नॉर्मल। जो भी आपके मूवमेंट्स होते हैं बेबी के, वो लिखे होते हैं, क्योंकि ये फिजिकली ऑर्गन्स को देखता है ये वाला स्कैन। तो आपके जो भी फीटल की किडनीज हैं, स्टमक है, यूरिनरी ब्लेडर आर नॉर्मल। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लेम्स, ऑर्बिट्स, स्कल एंड स्पाइन अपीयर नॉर्मल्स। यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल थी। देन उसके बाद में एमनेटिक फ्लूड देखा जाता है, जो कि एडवोकेट है, जो कि नॉर्मल है मेरा। एंड रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेबी को। देन उसके बाद में प्लेसेंटा है, जो कि मेरा इंटीरियर है, और OS इंटरनल OS से दूर है, अवे फ्रॉम इंटरनल OS, ये भी प्लस पॉइंट है। देन उसके बाद में यहाँ पे रेट्रोप्ले प्लेसेंटा एरिया क्लियर, फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स एंड मसल टोन इज नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने आपको बताया फिजिकली ऑर्गन्स को देखा जाता है, तो नॉर्मल थी मेरी बेबी की सारी चीज़ें। उसके बाद में है सर्विकल लेंथ इज नॉर्मल। देन उसके बाद में है इंटरनल OS इज क्लोज्ड, ये भी प्लस पॉइंट है। देन उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉर्मल। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें उसकी फिजिकली लिखी हुई हैं, जो भी उसने मूवमेंट की थी, सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं इस वाले स्कैन में। और ये कुछ पैरामीटर्स मेजरमेंट एंड ये आपके दिए हुए हैं, ये बहुत ही कम समझ में आते हैं, ये सिर्फ आपको आपकी डॉक्टर ही बता सकती है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता हैं, जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हो। इसमें मुझे पता है फीटल हार्ट रेट, जो कि मेरे बेबी की है 142 बीट पर मिनट रेगुलरली। एंड उसके बाद में EDD एस्टिमेटेड ड्यू डेट, यहाँ पे मुझे 18 मई की दी हुई है। और ये आपकी एस्टिमेटेड ड्यू डेट हर एक अल्ट्रासाउंड में चेंज होती रहती है, तो इस पर आप बिल्कुल भी मतलब आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी हमेशा चेंज ही होती रहती है। देन दूसरी तरफ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसके बाद में जो भी हमें एडवाइस फॉलो करनी है, फॉलो अप अल्ट्रासाउंड, ये इसमें नॉर्मल सी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये कम्प्लीटली इस पे बेसिक नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे राइट यूटरनरी आर्टरी और लेफ्ट यूटरनरी आर्टरी, ये सब कुछ लिखा हुआ तो है, हुआ होता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे इन स्केचेस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे इसके पार्ट्स जो थे वो आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये जो स्केच है वो है किडनीज़ का,
और इसमें हर एक चीज़ आपको मेंशन ही होती है। देखो ये है जैसे स्टमक, किडनीज हो गया, स्टमक हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी गई थी, लिप्स हो गए, हर एक चीज़ आपके फिजिकली ऑर्गन देखे जाते हैं आपके बेबीज़ के, जो कि नॉर्मल होने चाहिए। और इस स्कैन के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है आपके बेबी को तो आपको पता चल जाता है। तो ये वाला स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने, और मे बी ये लेग है, और देन उसके बाद में यहाँ पे लेंसेज भी शो हो रखे हैं और हैंड्स एंड फिंगर्स हैं देन उसके बाद में, और आप देख सकते हैं क्लियरली आपको शो भी हो रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से यूरिनरी ब्लेडर है, ये कॉर्ड इंसर्शन है ये, और उसके बाद में यहाँ पे मेंशन हो रखा है, एक मिनट, तो यहाँ पे ये मेंशन क्या है, फुट एंड टॉयज, हाँ पैर और टॉयज हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो, तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, और ये उनका ये वही रिपोर्ट है जो आप लोगों ने अभी देखी। देन उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर नहीं करवाया है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और ये स्पाइन, अगर भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इस स्कैन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है और आप उसका इलाज भी करवा सकते हो। देन उसके बाद में ये देखिए लिप्स हैं छोटू से बेबी के, आपको इसमें फोकस नहीं आ रहा है बट लिप्स ही लिखा हुआ है। देन उसके बाद में नेजल बोन है। एंड अगर आप लोगों ने मेरे पहले के स्कैन नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हो, एनटीएन भी स्कैन होता है, नॉर्मल स्कैन होते हैं तो, और काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी, जितना भी मुझे पता है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, और आप अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंड प्लीज़ मैं मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्यूरीज हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।